दर्शकों, जो है पहले राउंड की जो है मतगणना स्टार्ट हो चुकी है और वहां पे देखा गया है कि नागपुर से जो है नितिन जयराम गडकरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की हाई प्रोफाइल सीट है, 3000 वोटों से आगे चल रही है। साथ ही साथ रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जो है महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है बर्वे आगे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार जो है काफी सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ स्पष्ट हो रही है। जी हाँ, ये तो शुरुआती रुझान है। पहले रुझान में बायलट पेपर में नितिन गडकरी जी बायलट पेपर और पश्चिम नागपुर के कुछ रुझान सामने आ रहे थे, जिसमें 3000 वोटों से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। उसी के साथ ग्रामीण के रामटेक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो श्याम कुमार बर्वे, जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के, वो आगे चल रहे हैं। ये तो अभी शुरुआती रुझान है। बहुत बड़ा क्षेत्र रामटेक क्षेत्र माना जाता है और बहुत ही एक कयास लगाया जा रहा है कि इसमें बहुत सारी आगे भी कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कुछ शायद कांग्रेस अभी आगे है, फिर बाद में शिवसेना भी हो या फिर कांग्रेस इसको लीड को बरकरार रखे, ये आगे देखने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो नितिन गडकरी आपको बता दूं कि 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वही अमरावती की बात अगर देखी जाए तो शुरुआती रुझान में नवनीत राणा आगे चल रही थी और बायलट पेपर पूरे काउंटिंग होने के बाद बलवन वानखेड़े कांग्रेस के वहां आगे चल रहे। क्या बताना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से नागपुर में जो है निरंतर लीड बनाए रखी हुई है, लेकिन एग्जिट पोल में देखा गया तो आगे तो दिखाया गया था, लेकिन शुरुआती प्राथमिक सर्वे अनुसार जो देखा गया है कि कांग्रेस भी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन पहले राउंड की मतगणना के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3000 वोटों की लीड बोला जाए तो काफी बड़ी लीड होती है और नागपुर लोकसभा क्षेत्र जो कि हाई प्रोफाइल सीटों की यहां लड़त स्पष्ट हो रही है और प्राथमिक रुझान आपने जिस प्रकार से बोला, प्राथमिक रुझान है, चित्र स्पष्ट होने के है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो है प्राथमिक रुझान भी जो है काफी आवश्यक होते हैं और प्राथमिक रुझानों से भी स्पष्ट हो सकता है चित्र। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से जो है पीवी नरसिम्हा राव का इतिहास जुड़ा हुआ है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र में जो है 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के जो है विधायक है और साथ ही साथ 3 बार सांसद महायुति के रहे हैं। एक सम्मिश्र समीकरण यहाँ पे बना हुआ है और एक सहानुभूति पर बर्वे को जो है यहाँ वोट मिल रहा है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो है रश्मि बर्वे की टिकट कटने के बाद एक सहानुभूति का फैक्टर यहाँ स्पष्ट हुआ था। क्या बताना चाहेंगे सर, इस बार जो है नागपुर और रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार से रहेगी इस पहले राउंड के बाद, क्या कयास लगा? जी हाँ, नागपुर अगर लोकसभा की बात की जाए तो सीधी इस बार सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। जी, आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी सॉरी वंचित बहुजन ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसके साथ बीएसपी के उम्मीदवार ने उतना प्रचार नहीं किया और बाकी जैसे देखा जाए तो बाकी कोई पार्टियों का कुछ दिखा नहीं यहाँ पे। हाँ, देखा गया है तो रामटेक की भी बात करें तो किशोर गजबे को वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन दिया और जिस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं कटआउट में, वोटों के कटआउट में किशोर गजबे का भी काफी हाथ। हाँ, किशोर गजबे का भी एक काफी, क्योंकि आपने पिछले लोकसभा में देखा तो किशोर गजबे ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने काफी वोट भी लिए थे, है ना, 4 लाख के करीब उन्होंने वोट लिए थे और काफी सेकंड नंबर में रहते वो, तो वो भी देखा जा रहा, मतलब साजिक होगा कि इस बार वो कांग्रेस के कितने वोट काट सकते, इसका फायदा सीधे सीधे राजू पारवे को होने वाला है। अगर वो अगर नहीं चलते हैं तो शायद फिर कांग्रेस से हम बढ़त बना ले कांग्रेस, और देखा गया है कि इस बार का जो है वोट प्रतिशत पिछले बार से काफी ज्यादा है, 61% जो है वोट इस बार हुए हैं, लेकिन वहीं बात देखी जाए नागपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की तो यहाँ 54% ही वोट हुए हैं और जो है देखा गया है पिछली बार से कम हुए हैं, तो इस बार की जो है वोट प्रतिशत जिस प्रकार से देखा गया है, 2 बार तो नितिन जयराम गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, हाई प्रोफाइल भारतीय जनता पार्टी की सीट है, तो इस बार भी हैट्रिक मारेंगे क्या, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ सुनिश्चित होता है। साथ ही साथ अमरावती की स्थिति देखी जाए तो बैलेट में बड़वंत वानखेड़े आगे है, नवनीत राणा पहले राउंड में जो है ईवीएम की जो है मतगणना में आगे थी, स्पष्ट सम्मिश्र प्रकार की जो है यहाँ स्थिति निर्माण हो रही है काफी जो है। साथ ही साथ पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो इंडिया गठबंधन पीछे चल रहा है,
और जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन जो है आगे चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले समर्थित वाला, तो देश की स्थिति जो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री की स्थिति धीरे धीरे प्राथमिक रुझानों में स्पष्ट हो रही है। जी अभी आपको शुरुआती रुझान विदर्भ के मैं बता दूं, विदर्भ की 3 कांग्रेस की सीटों में कांग्रेस आगे चल रही है। जी हाँ, ये एक बता दूं, एक है चंद्रपुर की सीट, दूसरी है अमरावती और तीसरी अकोला की। देश की रुझान बताया जाए तो एनडीए के 351, इंडिया के 127 और जो है अदर अन्य जो है 28 सीटों पर आगे जो है स्पष्ट हो रहे हैं। देश की स्थिति आगे 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 जो है मतगणना के तौर पर पहले राउंड के बाद जो है स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। दोपहर तक पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। क्या लगता है मनीष, इस बार जिस तरह से 400 पार का आंकड़ा इंडिया ने लगाया था, अभी 350 शुरुआती रुझान में 350 के पास पहुंच गए हैं और भी काफी सीटों के रुझान आने में अभी अब तक बाकी है, क्या लगता है ये 400 पार 400 के नजदीक पहुंच पाएंगे या 400 पार हो जाएगा? सर देखा जाए तो जो है वोटों की गिनती पर आधारित है, वोट किस प्रकार से हुए इस पर आधारित है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिन एजेंडा पर और जिस मुद्दे पर प्रचार किया है, राम मंदिर का मुद्दा था, साथ ही साथ 377 और 370 ये दोनों मुद्दे थे इस बार, तो है जो है बड़े बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने सियासत खेली है। कई बार देखा गया है कि सूरत जैसे क्षेत्र में जो है निर्विरोध भी यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तो एक जो है एक बड़ा जो है बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास था। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शुरुआती रुझानों के बाद 400 पार होने की संभावना भी आज है स्पष्ट होती है। मनीष एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नितिन गडकरी जी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, है ना, एक नागपुर के लिए एक बड़ी बात, बड़ी खबर। जो 10,000 वोटों से आगे मंत्री थे हमारे हाई प्रोफाइल मंत्री जो गडकरी जी है, जिसका बहुत बीच में कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस बहुत टक्कर का मुकाबला देंगी, मगर नितिन गडकरी जी अभी 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दर्शकों को हम बता दें कि 10,000 वोटों से नितिन गडकरी अभी आगे चल रहे हैं। उसी तरह से अगर महाराष्ट्र की रुझान देखा जाए तो 48 में से 41 सीटों के रुझान अभी आ चुके हैं, मतलब शुरुआती रुझान आ चुके हैं, उसमें भाजपा ने 14 सीटों में आगे चल रही है, वही शिंदे की शिवसेना 5 सीटों में आगे चल रही है, वही अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 सीटों में आगे चल रहा है, वही ठाकरे गट की शिवसेना 8 सीटों में आगे चल रही है, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी 4 सीटों में आगे चल रही है, वही कांग्रेस 7 सीटों में आगे चल रही है। जी हाँ, यहाँ पे फिर से भाजपा एक नंबर वन पक्ष महाराष्ट्र में भी बना चल रहा है, 14 सीटों में फिलहाल तो वो आगे चल रहा है। गढ़चिरौली से जो है भारतीय जनता पार्टी के और महायुति के जो उम्मीदवार है प्रत्याशी अशोक नेते आगे चल रहे हैं। नामदेव किरसान भी एक कांग्रेस से हाई प्रोफाइल चेहरा जो है कांग्रेस के पास था, लेकिन फिर भी शुरुआती रुझानों में अशोक नेते आगे चल रहे हैं, तो इसे भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। जिस प्रकार से आपने बोला बारामती की बात और बारामती का भी जिक्र आपने किया है, वहां पे जिस प्रकार से भाभी वर्सेस ननंद की स्थिति है, पवार वर्सेस पवार की स्थिति है, एक बोल सकते हैं कुरुक्षेत्र वहां सजा हुआ है, महाभारत की स्थिति हुई है, और जिस प्रकार से तंज कसे गए, अपनों में ही अपनों पर जो है तंज दागे है, और उसके बाद से जो है सुनेत्रा पवार आगे दिखना कहीं ना कहीं शरद पवार की जो है प्रतिष्ठा पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहा है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। देखा गया तो कई 26 राउंड के बाद जो है पूरा चित्र स्पष्ट होगा, ऐसा जो है चित्र प्रतीत हो रहा है। जी हाँ, अभी शुरुआती रुझान में 105-110 सीटों के रुझान आ चुके हैं। एनडीए ने अभी 350 का आंकड़ा पार कर लिया है, 350 सीटों में एनडीए आगे है, 132 सीटों में इंडिया आघाड़ी अभी आगे चल रही है, और अदर्स 28 सीटों में, 350 का आंकड़ा अब तो बाद पार कर लिया है शुरुआती रुझान में। अगर यही रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो तीसरी बार लगातार मोदी सरकार आ रही है, क्या कहना चाहोगे इस बार? तीसरी बार यदि लगातार मोदी सरकार आती है तो जिस प्रकार से विपक्ष को काफी बड़ा झटका पहुंचेगा, क्योंकि देखा गया है तो पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है, और एकजुट होकर भी यदि भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार देश में आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से कमजोर होता है, यहाँ स्पष्ट होगा। और महाराष्ट्र की सियासत की ओर जाए तो जिस प्रकार से अविभाजित पार्टी को विभाजित किया गया, जिस प्रकार से विभाजित स्थिति हुई और बड़े बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, तो उसके बाद तो ये 350 अभी पार हुए, 400 पार की स्थिति तो वहीं तभी प्रतीत हो चुकी थी सर्वे अनुसार, लेकिन प्राथमिक रुझानों में तो स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है।
जी हाँ, इस बार भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। एनडीए को 350 अभी फिलहाल तो पार हो गया, 400 पार, ये आंकड़ा शायद आगे हो पाता नहीं हो पाता, ये आने वाले समय में बिल्कुल हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी फिलहाल विदर्भ की बात फिर से मैं आपको बता दूं, 42 सीटों के रुझान यहाँ पे आ रहे हैं, उसमें 14 सीटें भाजपा ने बढ़त पा ली है और शिंदे गुट की शिवसेना 6 सीटों में बढ़त में चल रही है। वही अजीत पवार राष्ट्रवादी की 2 सीटें जो थी वो अभी आगे चल रही है, ठाकरे गुट की 7 सीटें आगे चल रही है, शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की 4 सीटें, कांग्रेस की 8 सीटें और अदर्स एक अपक्ष जो बोल रहे थे वो एक सातारी की जो सीट है वो आगे चल रही है। और विदर्भ की बात कहे तो विदर्भ में भाजपा की 3 सीटें आगे चल रही है, शिंदे गुट की 1 सीट और 3 सीट कांग्रेस की आगे बढ़त बनाए रखी है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार जो है विदर्भ में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है 6 सीटों में से 4, मुंबई में भी बात करें तो 6 सीटों में से 4 पर आघाड़ी पर थी शुरुआती रुझानों में, तो क्या स्पष्ट करना चाहेंगे सर, कौन सा समीकरण जो है यहाँ पे कारगर होगा? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक मुंबई की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे को एक सहानुभूति के तौर पे देखा जा रहा था और कल्याण और ठाणे की सीट छोड़ दी जाए तो बाकी मुंबई में शायद उद्धव का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर जरूर आ रहा है। और हमेशा से मुंबई की अगर राजकारण आप देखें तो शिवसेना का अच्छा प्रभाव वहां रहा है और शिवसेना का जब टूटने के बाद तो कुछ जो मतदाता है वो थोड़े से मतलब उलझन में है कि जाए कहाँ। और राज ठाकरे का भी फैक्ट यहाँ शायद फिलहाल तो उज्ज्वल निकम जो उत्तर मध्य मुंबई से थे वो आगे चल रहे हैं, है ना, शायद राज ठाकरे का भी फैक्टर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आने वाला समय बिल्कुल बताएगा। और जिस प्रकार से देखा गया है मुंबई का जो क्षेत्र है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे इनके जो है प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है शिवसेना का, और वहाँ एक लड़ाई खून के रिश्ते वर्सेस आदर्श के रिश्ते बोल सकते हैं। आदर्श का तो जो है शिंदे गुट हर बार दावा करता है कि हम बाला साहेब ठाकरे इनके आदर्शों पर चलते हैं, उस बात पर चर्चा करना योग्य नहीं, किंतु जिस प्रकार से स्थिति देखी गई है एक सम्मिश्र समीकरण यहाँ स्पष्ट हो रहा है और देश की स्थिति जो है काफी जो है स्पष्ट होती दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है और जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महायुति बनते जा रही है। अमरावती से एक खबर आ रही है, नवनीत राणा पीछे चल रही है, बड़वत वानखेड़े कांग्रेस के उम्मीदवार जो अभी आगे चल रहे हैं, अभी फिलहाल अभी लेटेस्ट न्यूज है कि बलवंत वानखेड़े आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अमरावती से, नवनीत राणा पीछे चल रही है। और देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले जब शुरुआती रुझान आए थे नवनीत राणा आगे थी, फिर बैलेट पेपर शुरू हो गए, बड़वत वानखेड़े फिर से आगे चले गए और अभी जो यूएम की आ रही तो बड़वत वानखेड़े आगे चल रहे हैं। कांग्रेस फैक्टर अमरावती में काम कर रहा है कि बच्चू कड़ू फैक्टर काम कर रहा है? कांग्रेस फैक्टर कहीं ना कहीं आज जो है बड़वंत वानखेड़े आगे चल रहे उससे भी स्पष्ट रूप से देखा गया है, क्योंकि वहां देखा गया है तो प्रहार ने भी प्रहार किया है नवनीत राणा पे, और जिस प्रकार से देखा गया है नवनीत राणा ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद एक सम्मिश्र समीकरण बना, इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन में वो खड़ी हुई थी, तो ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्राथमिक रुझान है, जिस प्रकार से आगे क्या चित्र स्पष्ट होता है अमरावती का ये देखना भी काफी रोचक रहेगा। जी हाँ, दर्शकों अभी हो चला है समय ब्रेक का, ब्रेक के पहले आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी नागपुर से 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अमरावती में बड़वत वानखेड़े आगे चल रहे हैं, और ब्रेक के बाद चुनाव से रिलेटेड सभी खबरें हम आपको अपडेट देते रहेंगे, चुनावी नतीजों की हर पल की अपडेट देखते रहिए इंग्लिश न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।